कल को मैं नहीं तो बन जाऊं, मैं अच्छे काम करूंगा तो दूसरे वाला तो चिड़ेगा। आई गोली हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, पानी से लेके, बिल से लेके, मतलब बहुत सी सेहत ऐसे कर रखी है, बढ़िया है। अभी खराब होने से वोट बैंक कम हो सकता है। बुरे आदमी तो वैसे बदनाम न करे, वैसे बुरा तो बुरा ही है। अच्छा, बुरे ने कौन बदनाम कर, बुरे से पीछे और हटे। देखो जी, नेता कोई भी हो, जनता के लिए जो करेगा उसके वोट कभी नहीं कटेगा। अच्छा, और वो जनता के लिए कराया जी, स्कूल बढ़िया कर दिया जी, बिजली फ्री कर रखा 200-250 यूनिट, पानी साफ पानी भेज रहा हर जगह सप्लाई, और क्या करेगा। जनता को चाहिए भाई नेता वो जो काम करे, चाहे वो लूट के, लेकिन जनता के लिए तो करा, जब उसी वही आएगा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में। जगह सबसे बढ़िया जगह जगह मोहल्ले क्लीन खोल रखे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो वोट बैंक बढ़ेगा घटेगा जी? वोट बैंक तो बढ़ेगा ही, जब जगह जगह मोहल्ले क्लीन है, जो गरीब कूचा परेशान है, जो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये लग जाए, मोहल्ला क्लिनिक चले जाओ, फ्री टेस्ट है तुम्हारे और फ्री दवाई है मोहल्ला क्लिनिक में, गरीब के लिए तो यही बहुत है। स्कूल किसी यदि बिहार के व्यक्ति को भी तकलीफ होती है, हाँ जी, वो 500 रुपए खर्च करके अपना दिल्ली आके इलाज कराता है, हाँ जी, और दूसरी तरफ बीजेपी या विपक्ष कहता है कि अरविंद केजरीवाल घोटाले करता है इन पर। ये घोटाले तो विपक्ष पार्टी, तो दूसरी पार्टी को जो अच्छा काम करेगा तो बदनाम करेगा। अच्छा, हाँ जी, कल को मैं नहीं तो बन जाऊँ, मैं अच्छे काम करूंगा तो दूसरे वाला तो चिड़ेगा, सीधी सी बात है जी। अच्छा, हाँ जी, आपको क्या लग रहा है भाई? हमें तो यही लग रहा है, जो अच्छा आदमी है उसी को दुनिया बदनाम करे। अच्छा, बुरे आदमी तो वैसे बदनाम ना करे, वैसे बुरा तो बुरा ही है। अच्छा, बुरे ने कौन बदनाम कर, बुरे से पीछे और हटे। और बात करते हैं, और देखिए तमाम लोग यहाँ पर हैं भाई, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से उसका वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों? पहले भी जो एक नेता थे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं, इतने में इतना ध्यान नहीं देता ना फिर भी, मगर मैं पब्लिक की नज़रों में देखता हूँ काफ़ी टाइम, बड़े बूढ़े आंटियाँ भी जाती हैं, हर चीज लेडीज़ वगैरह जाती हैं बसों में, सीधी बस ही पूछती हैं वो बस कहाँ मिलेगी फ्री वाली, जो केजरीवाल जी ने चला रखी है। हम बता देंगे टोल टैक्स पार करके चले जाओ, मतलब जो भी सुविधा है दिल्ली की, दवाई गोली हॉस्पिटल से लेके, स्कूल से लेके, पानी से लेके, बिल से लेके, मतलब बहुत सी सेहत ऐसे कर रखी हैं, बढ़िया है। अच्छा, ये हरियाणा में हो जाए तो हमारा भी थोड़ा भला हो जाए। अच्छा, हाँ बिल्कुल। हरियाणा में भी आप आम आदमी पार्टी चाह रहे हो? बिल्कुल चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ऑटो फ्रीक चलाएंगे आप भी? बिल्कुल चलाएंगे। अच्छा, सपोर्ट करेंगे पूरा? बिल्कुल करेंगे सपोर्ट। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल का वोट बैंक अब कम हुआ है या बढ़ा है? सर, छवि खराब होने से वोट बैंक कम हो सकता है। अच्छा, हाँ जी, नहीं अब जिस तरीके से वो जेल गए हैं, लेकिन आरोप साबित नहीं हुए हैं अभी, आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनकी छवि खराब ही हो रही है। जेल जा रहे हैं तो पब्लिक ये सोच रही है कि नहीं हम उन्हें वो जेल जा रहे हैं किस कारण जा रहे हैं, तो पब्लिक कन्फ्यूज हो रही है। अच्छा, एक तरह से कि हम वोट किसको दे, किसको बनाए, और इस तरीके से पब्लिक कन्फ्यूज हो रही है। अच्छा, बस मैं यही कहूँगा और ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि हरियाणा में यदि वो पार्टी उतर कर चुनाव लड़ती है, हरियाणा में भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, शिक्षा स्वास्थ्य और जो ये सुविधाएँ जो मुफ्त वाली हैं, इन पर चुनाव लड़ती है, क्या हरियाणा में सरकार बना जाएगी? सरकार हरियाणा में बनाना तो मुश्किल है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सीटें निकल सकती है लेकिन सरकार यहाँ पे नहीं बन सकती। अच्छा, हाँ, पक्की बात है? हाँ, गठबंधन वाली भी नहीं बनेगी? गठबंधन सरकार का चीज़ मैं इतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, गठबंधन सरकार बनाए तो एक खिचड़ी तरीके से होती है। अच्छा, हाँ, अब ऊपर संसद एमएलए विधायक जो करते हैं उनको भी डिपेक्ट करता है। अच्छा, किधर पल्ला भारी करे, किधर ईसा करे, वो उनको भी डिपेक्ट होता है। अच्छा,